जहाँ पर साउथ एक्टर अभी पूरे इंडिया पे राज कर रही है और सैलरी के मामलों पे भी तमिल एक्टर ने आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों तमिल एक्टर जैसे कि थलपति विजय, थलाजित कुमार, मारा सूर्या, आपने कामी फिल्म के लिए कितने करोड़ का चार्ज किया है जानने के लिए सुसंता के वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। 21 प्रदीप रंगनाथन, जहाँ पर उन्होंने 2022 पे लव टूडे जैसे सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म देखकर अपने डेब्यू किया है और इसके बाद उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट जिसको उन्होंने डायरेक्ट करेंगे और इसमें उन्होंने लीड रोल भी निभाएंगे और इसे फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 2 करोड़। नंबर 20 जीवा, उनका बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म में रहा और इसी वजह से उनका सैलरी भी लो हुआ है और जीवा का अपकमिंग प्रोजेक्ट है गोलमाल जो कॉमेडी फिल्म होगा और इसे फिल्म के लिए जीवा ने चार्ज किया है 3 करोड़। नंबर 19 सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का करियर में भी जा रही है डाउनफॉल, उन्होंने भी बैक टू बैक काई फ्लॉप फिल्में दिया है। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है इंडियन 2 जो अपकमिंग विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा जहां पर है यूनिवर्सल स्टार कमल हसन और एक सपोर्टिंग रोल में नजाएंगे सिद्धार्थ को और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 4 करोड़। नंबर 18 विष्णु विशाल, कॉलीवुड का यंग एक्टर के बीच में एक है विष्णु और राजशासन का इस एक्टर का अपकमिंग प्रोजेक्ट है मोहनदास जो एक डार्क थ्रिलर फिल्म होगा और इसमें विष्णु का होगा एक इंटेंस अफेयर और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 3 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है इंडोनेट्रो नलाई 2 जो एक अपकमिंग साईफाई फिल्म होगा और जिसका स्टोरी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड होगा और इस फिल्म के लिए विष्णु ने चार्ज किया है 5 करोड़। नंबर 17 अरुण विजय, और थर्ड उनका एक्टर है अरुण विजय और ज़्यादातर उनका फिल्म में थ्रिलिंग जॉनर का होता है और उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है अचम इन बाधु इलाई और यह अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा और इस फिल्म के लिए अरुण ने चार्ज किया है 6 करोड़। नंबर 16 विजय एंथोनी, जहाँ पर उन्होंने हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेकर फिल्में बनाते हैं और विजय का अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है पिक्चर करण 2 और इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी डायरेक्शनल डेब्यू भी करेंगे और जिसका स्टोरी ब्रेन ट्रांसप्लांट पर बेस्ड होगा और इस फिल्म के लिए विजय ने चार्ज किया है 8 करोड़। नंबर 15 आर्या, उनका रिसेंट कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं जा रही है और अभी उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है काथर भाषा इंडा मथुरा मलिंगम और एक अपकमिंग रूरल एक्शन फिल्म होगा। आर्या को एक गाँव का लीडर के रोल में नजाएंगे और इस फिल्म के लिए आर्या ने चार्ज किया है 8 करोड़। नंबर 14 विशाल, और विशाल का कैरियर में बैक टू बैक जा रही है फ्लॉप फिल्म और इसी वजह से उन्होंने अपनी सैलरी को काफ़ी लो किया है और कब कामी फिल्म है थुप्पड़ी वालन 2 जहां पर पहली बार के लिए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे और इसमें उनको और एक बार डिटेक्टिव कर्नन के रोल में नजाएंगे और इस फिल्म के लिए विशाल ने चार्ज किया है 10 करोड़। नंबर 13 जयम रवि, और जैम ने काफ़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिया है पुनियन सेल्वन 1 पे और अभी बारी है पार्ट 2 का और उनका अपकमिंग फिल्म है पुनियन सेल्वन 2 जहां पर जैम रवि को आरुल मुझे वर्मन के रोल में नजाएंगे यानी कि प्रिंस ऑफ छोला एम्पायर और जैम ने पुनियन सेल्वन 2 के लिए चार्ज किया है 10 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म आएगा इराइवन जो अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा जहाँ पर जैम रवि के साथ है लेडी सुपरस्टार नयनतारा और इस फिल्म के लिए जैम ने चार्ज किया है 12 करोड़। नंबर 12 आर मधवन, और रॉकेट्री जैसे ब्रिलियंट फिल्म देने के बाद अभी आर मधवन का अपकमिंग फिल्म आ रही है अमरीकी पंडित जो एक हिंदी ड्रामा फिल्म होगा और जहाँ पर मैडी के साथ मंजुवारिया लीड रोल में नजाएंगे और इस फिल्म के लिए मैडी ने चार्ज किया है 15 करोड़। नंबर 11 सिलम बरसन, और कॉलीवुड का यंग जनरेशन के बीच में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर है सिम्बू और बैक टू बैक उन्होंने एक बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म में दिया है और उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है पथुथला जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा जहां पर सिम्बू ने एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रही है और इस फिल्म के लिए सिम्बू ने चार्ज किया है 15 करोड़। नंबर 10 विजय सेतुपति, और जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है मक्कल सेल्वन विजय ने और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है जवान जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा और जिसको डेट करी है एटली कुमार ने और इसमें मक्का सेल्वन ने बादशाह शाहरुख खान नयनतारा के साथ कोलाबोरेशन करी है
और इसमें उनका होगा एक विलेनियस एवतार और इस फिल्म के लिए विजय ने चार्ज किया है 20 करोड़। दूसरी तरफ उनका नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है विदुथालाई 1, जो एक पीरियड क्राइम थ्रिलर फिल्म होगा जहाँ पर सूरी विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 8 करोड़। नंबर 9 शिवा कार्तिकेयन। कॉलीवुड का प्रिंस है शिवा। उन्हें रिसेंटली बैक टू बैक जैसे डॉक्टर डॉन जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म में दिया है और उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है मावीरन, जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा जहाँ पर शिवा का होगा एक ईड सेफ्तर और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 20 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म आ रही है आयरलैंड, जो एक साईफाई फिल्म होगा और इस पैन इंडियन फिल्म के लिए शिवा ने चार्ज किया है 30 करोड़। नंबर 8 कार्थी। और हो सकते तो कार्थी कॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने का रोड पे है। में है पुण्य सेवन 2 और इसमें कार्थी ने वल्लभ अड़ैयान का रोल प्ले करेंगे और कार्थी ने पुण्य सेवन 2 के लिए चार्ज किया है 20 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है जापान, जो एक अपकमिंग एक्शन फिल्म होगा और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 15 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है कार्थी 2 और इसमें कार्थी को और एक बार दिल्ली के रोल में नजर आएंगे और जेल जाने के पीछे स्टोरी को दिखाया जाएगा के लिए उन्होंने चार्ज किया है 30 करोड़। नंबर 7 धनुष राजा। धनुष ने रिसेंट टाइम पे बैक टू बैक 100 करोड़ क्लब वाला फिल्म में दिया है और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है कैप्टन मिलर, जिसका स्टोरी 1930s पर बेस्ड होगा और उधर दोस्तों इसे पैन इंडियन प्रोजेक्ट के लिए धनुष ने चार्ज किया है 20 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है वादा चेन्नई 2, जो एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा और इसमें धनुष को और एक बार अनबू के रोल में नजर आएंगे और इसी फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 35 करोड़। नंबर 6 चिया विक्रम। और विक्रम हमेशा अपनी फिल्म को लेकर करते हैं एक्सपेरिमेंट और इसे प्रॉमिसिंग एक्टर का अपकमिंग फिल्म है पुण्य सेल्वन 2, यानी कि इसमें और एक बार चिया विक्रम को आदित्य करिकलन के रोल में नजर आएंगे। विक्रम ने चार्ज किया है 30 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है थंगलन, जहाँ पर चिया विक्रम को गांव का लीडर के रोल में नजर आएंगे और इसे पैन इंडियन प्रोजेक्ट के लिए विक्रम ने चार्ज किया है 40 करोड़। नंबर 5 मारा सूर्या। और सूर्या ने रिसेंट टाइम पे दिया है कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस वाला फिल्म है। उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है वदिवसल, जहाँ पर उनको डबल रोल में नजर आएंगे और सूर्या ने इसी फिल्म के लिए चार्ज किया है 35 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है सूर्या 42, जो एक अपकमिंग पीरियड ड्रामा फिल्म होगा और इसमें उनका होगा डिफरेंट 5 एफ्तर और सूर्या 42 के लिए उन्होंने चार्ज किया है 50 करोड़। नंबर 4 कमाल हसन। रिसेंट टाइम पे विक्रम जैसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म में दिया है और अभी उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है इंडियन 2 और इस फिल्म पे उनका होगा काफ़ी प्रॉमिसिंग एफ्तर और इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किया है 60 करोड़। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है विक्रम 2 Once upon a time, they lived a ghost. और इसे घोस्ट यानी कि यूनिवर्स स्टार को लेकर विक्रम 2 आएगा। चार्ज किया है 50 करोड़। नंबर 3 थला अजीत कुमार। जहाँ पर थला अजीत ने हमेशा अपनी सैलरी को एक बैलेंस पे रखते हैं और थला अजीत का अपकमिंग फिल्म आ रही है डेविल AK-62 और इसमें थला अजीत का होगा काफ़ी इंटेंस स्टाइलिश एक्टर और थला अजीत ने इसे अपकमिंग फिल्म के लिए चार्ज करी है 70 करोड़। नंबर 2 थलाइवर रजनीकांत। कॉलीवुड का गॉड है थलाइवर ने और बता दोस्तों अगर उनका कोई फिल्म में फ्लॉप होता है तो फिर उन्हें अपनी सैलरी से पैसा प्रोड्यूसर को बैक करते हैं। हाँ दोस्तों, और थलाइवर का अपकमिंग फिल्म है जेलर, जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा और इसी फिल्म के लिए थलाइवर ने चार्ज किया है 100 करोड़। नंबर 1 थलापति विजय। और अभी तमिल का मोस्ट हाइपबल एक्टर बन गई है विजय ने और उनका है एक ह्यूज क्रेज वाला फैन बेस। उनका अपकमिंग फिल्म आ रही है लियो, जो एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा और इसमें विजय का होगा ब्लडी स्वीट वाला एफ्तर और थलापति विजय ने इस अपकमिंग फिल्म के लिए चार्ज किया है 130 करोड़। ऐसे करके विजय ने बन गई है पूरे तमिल इंडस्ट्री का नंबर 1 हाइस्ट पेड एक्टर। तो ये रहा तमिल एक्टर का सैलरी के बारे में। तो इस लिस्ट पर आपका फेवरेट एक्टर कौन सी है कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।